सर दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के दो जिलों से यहाँ पर बड़ी भर्ती निकली है। जी हाँ, एक अपना रायपुर जिला है, दूसरा है महासमुंद जिले से। तो आइए मैं पूरा विज्ञापन आपको डिटेल में बता रहा हूँ, जिसमें तृतीय श्रेणी एवं चतुर्थ श्रेणी की यहाँ पर पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। कब तक फॉर्म भरना है, क्या योग्यता है, क्या पेमेंट रहेगी, कैसे आपका भर्ती होगा, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए जल्दी से मैं आपको यहाँ पर सारे डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर की तरफ से यह सीधी भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आवेदन जो प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 24/6/2023 प्रातः 11 बजे से आवेदन आपको यहाँ पर भरना स्टार्ट हो चुका है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि रहेगा 31 जुलाई 5 बजे तक रहेगा। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर भारत के नागरिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ के अगर आप निवासी हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, साथ ही साथ इंडिया के निवासी कोई भी राज्य से तो भी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। आइए डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेनोग्राफर हिंदी है, टोटल 13 पद है, जिसमें अनुसूचित जाति का 1 पद और दिव्यांग का 1 पद है। आरक्षित पद के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर आपका स्टेनोग्राफर में पद नहीं है, अन्य पिछड़ों के लिए 1 पद, उसके बाद अनारक्षित के लिए यहाँ पर टोटल आपका है 5, 2, 7, 2, 9, 10 पद। तो इस तरह टोटल 13 पद के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर रहेगा सहायक ग्रेड 3 के लिए टोटल 53 पद है और बड़ी संख्या में भर्ती है। सहायक ग्रेड 3 का 53 पद रखा गया है, अनुसूचित जाति में 2 पद और जिसमें महिला 1 है 3 पद और 1 भूतपूर्व सैनिक है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति में आपका टोटल यहाँ पर देख सकते हैं 1 पद है और 4 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए, अनुसूचित जनजाति का। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए यहाँ पर 3 पद मुक्त में महिला का 1 पद है, भूतपूर्व सैनिक का 1 पद, दिव्यांग का 1 पद। उसके बाद अनारक्षित के लिए 20 पद मुक्त हैं, 10 महिला 10 भूतपूर्व सैनिक और 2 दिव्यांग। तो इस तरह टोटल 66 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। आइए इसकी जो योग्यता है उसको मैं आपको बता देता हूँ। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें, स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पर आपका जो है 45% अंकों के साथ जो भी सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उसको स्नातक में पास होना अनिवार्य है 45% अंकों के साथ, और जो आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं ST/SC/OBC उसको 40% अगर आपके स्नातक में है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए जो पेमेंट आपका 2800 ग्रेड पे में रहेगा, मतलब 28,700 पे इसके रहेगा लेवल 7 का। उसके बाद है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से लेखन मुद्रा लेखन का यहाँ पर प्रमाण पत्र होना जरूरी है, साथ ही साथ DCA PGDCA है अगर आपके पास है, कंप्यूटर में कोई भी डिग्री है तो इसमें फॉर्म आप डाल सकते हैं। उसके बाद हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5 हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म, मतलब इसके लिए पेपर लिया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा, कौशल परीक्षा लिया जाएगा। केवल 3 डिग्री आपके पास होना चाहिए ऊपर का, अगर यह है तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद है सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर जो पद है जिसमें आपका 1900 ग्रेड पे में रहेगा, 19,500 पे स्केल रहेगा, लेवल 4 का पेमेंट है। इसके लिए भी सेम योग्यता है, कहने का मतलब अगर आप स्नातक में 45% है सामान्य अभ्यर्थी हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, साथ ही साथ ST/SC/OBC के अभ्यर्थी हैं 40% अंकों के साथ अगर आप स्नातक हैं तो इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद DCA PGDCA या कंप्यूटर के कोई भी डिग्री हो आपके पास, चाहे आप BCA हो या BSc साइंस कंप्यूटर साइंस इत्यादि या इंजीनियरिंग की हो तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में आपको 5 हज़ार की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होना चाहिए, इस गति के संबंध में कौशल परीक्षा लिया जाएगा। इसके लिए आपके पास अगर सिद्ध लेखन मुद्रा लेखन नहीं है तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं, बशर्ते जो ऊपर मैं बताया हूँ 2 डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। आयु सीमा क्या रहेगी, 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023 को कम से कम आप 18 वर्ष हो, अधिकतम 30 वर्ष। अगर आप छत्तीसगढ़ के बाहर के निवासी हैं तो 30 वर्ष लगेगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 40 वर्ष रहेगा सामान्य के लिए। ST/SC/OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी, छूट मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। रेगुलर भर्ती है, छत्तीसगढ़ शासन के हिसाब से आपको पेमेंट दी जाएगी 70%, 80%, 90%, 30 वर्ष की यहाँ पर परीक्षा अवधि रहेगी। आवेदन प्रस्तुत कैसे करना है इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र आपको जो ये विज्ञापन के साथ है उन्हीं को आपको भर कर भेजना है, आपको अलग से बनाना नहीं है। इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 31/7/5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर
हिंदी सहायक गणित 3 के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, जिसके लिए अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हो उसको आपको ऊपर में लिख देना है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के कार्यालय में रखे जो बॉक्स है उस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट, कुरियर या अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सीधा सीधा आपको फॉर्म भरकर जो रायपुर का न्यायाधीश है, जो कार्यालय है जिला सत्र न्यायाधीश कार्यालय, वहाँ पर एक बॉक्स रखा गया है, उसी पर आपको जाकर डालनी है। अगर आप स्पीड पोस्ट या कुरियर करेंगे तो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास, विकलांगता आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। तो इसको आप देख सकते हैं, उसके बाद आप यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीज़ें और आप इसको अच्छे से पढ़ पाएंगे। आवेदन पत्र में चस्पा, रंगीन स्वतः का यहाँ पर स्वयं का नाम लिखा हुआ, दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र विचार नहीं किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या रहेगी? आयोजित पद के लिए प्राप्त होने वाले आवेदन की संख्या अधिक होने पर पात्र अभ्यर्थियों से शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल एवं सहायक सेकेंडरी में प्राप्त प्रतिशत के 25-25% तथा स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत के 50% तथा बोनस अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। स्नातकोत्तर तथा विधि स्नातक डिग्रीधारी को एक एक बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। एक से अधिक स्नातकोत्तर डिग्री होने पर सिर्फ एक स्नातकोत्तर का बोनस अंक एक अंक ही प्रदान किया जाएगा। वर्गवार मेरिट सूची के आधार पर एक पद के विरुद्ध 5 से कम 5 के अनुपात में चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षा स्किल टेस्ट हेतु बुलाया जाएगा। आवश्यकता होने पर स्क्रीनिंग टेस्ट करने का भी अधिकार भी सुरक्षित रखा जाएगा। कौशल परीक्षा हेतु बुलाए सूचना कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। कौशल परीक्षा कैसे रहेगा? कौशल परीक्षा पूर्व या पश्चात दस्तावेज परीक्षण जांच किया जाएगा। कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। कौशल परीक्षा हेतु सूचना प्रवेश पत्र में बुलाव पृथक से नहीं भेजा जाएगा। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। स्टेनोग्राफर के लिए कौशल परीक्षा यहाँ पर रहेगा। उम्मीदवार से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी सूत्र लिख दिया जाएगा, जिससे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिटेक्शन, शुद्ध लेखन की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1.5 अंक काटा जाएगा, जो कि हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, जो कि सभी में रहता है। आप सभी को मालूम है ये विज्ञापन हर जगह से निकले हुए, हर जिले से, हर जगह यही यहाँ पर इसका फॉर्मेट रहता है। सहायक गणित 3 के लिए भी सेम रहेगा। यहाँ पर उम्मीदवार को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप, प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी। कौशल परीक्षा उबंतु, लाइनेक्स अथवा विंडोज से लिया जाएगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विकल्प फॉर्म में उल्लेख करना होगा। इस विकल्प प्रस्तुत करने के उपरांत बाद में इस संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। चयन सूची, प्रतीक्षा सूची 1 वर्ष के लिए तैयार रहेगी। और महत्वपूर्ण यहाँ पर निर्देश है, उसको आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिएगा। और चलिए जो अगली वैकेंसी उसके तरफ बढ़ते हैं। आवेदन पत्र ये आपका रहेगा, यही फॉर्मेट को आपको निकाल कर वहाँ पर जमा करना है। आवेदन का स्व हस्ताक्षरित नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो, रंगीन नाम, पता, दिनांक सहित प्रति यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी एड्रेस पर आपको भेजनी है। रायपुर को सिंपल है, हिंदी में इसको आप आसानी से भर सकेंगे, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और जो जो डिटेल यहाँ पर मंगा गया है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए जो अगली वैकेंसी उसके तरफ बढ़ते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो महासमुंद की तरफ से निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद छत्तीसगढ़ विज्ञापन निकला है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि रहेगा 20/7/2023 संध्या 5 बजे तक, मतलब 20 जुलाई तक आप फॉर्म भर पाएंगे। तो कौन कौन सा पद है आइए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जो जो पद है, सिख लेखक हिंदी का पद है यहाँ पर 4 पद, सहायक 3 का 12 पद, भृत्य का 5 पद। हिंदी जो है यहाँ पर संविदा सिख लेखक का 1 पद है, सहायक 3 संविदा 1 पद, भृत्य संविदा 1 पद। उसके बाद आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले जो कि कर्मचारी, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर का यहाँ पर 3 पद। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपने अपने कैटेगरी, अनारक्षित के लिए यहाँ पर अलग है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, सभी के लिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट रखा गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसमें आप इसको स्क्रीन शॉट लेकर फॉर्म भर पाएंगे। सिख लेखक का 4, सहायक 3 का यहाँ पर 12 पद, भृत्य का 5 पद। सभी यहाँ पर भर्तियाँ रेगुलर है ऊपर का, बाकी नीचे के यहाँ पर जो लगभग 6 पद हैं संविदा है। इसको जो पद है कम ज़्यादा किया जा सकता है। सिख लेखक हिंदी के लिए सेम यहाँ पर पेमेंट रहेगा, जो ऊपर मैं बताया हूँ वही योग्यता रहेगी। इस योग्यता में कोई चेंजेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं जो सहायक 3 का भी सेम है, 19,500 जो बेसिक है, 1900 ग्रेड पे में रहेगा। सेम योग्यता है, कोई योग्यता में चेंजेस नहीं है।
और अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1300 ग्रेड पे मिलेगा, 15600 बेसिक है। इसके लिए जो योग्यता है केवल 5वीं पास रखा गया है। उसके बाद दूसरा, सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव वाले अभ्यर्थी जो प्रमाण पत्र उपलब्ध हो, यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो, विशेष योग्यता जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, रसोईया, बढ़ई, मैकेनिक इत्यादि कार्य के वाले अभ्यर्थियों को पहले यहाँ पर अनुभव दिया जाएगा, मतलब अनुभव को प्राथमिकता दी जाएगी। शासकीय सेवाओं से जारी अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। शीर्षलेखक हिंदी पद यहाँ पर संविदा के लिए 1,10,000 दिया जाएगा, सेम योग्यता रहेगा, योग्यता में कोई चेंजेस नहीं है। सहायक ग्रेड 3 संविदा पद के लिए 9,000 पेमेंट है, योग्यता में कोई चेंजेस नहीं, यही योग्यता है। भृत्य है यहाँ पर 7,000 दिया जाएगा और 5वीं पास है, सेम योग्यता है। तो ये जानकारी रही, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए वेतन लगभग 10,000 के आसपास रहेगा और शैक्षणिक योग्यता यहाँ 5वीं पास रखा गया है। आयु सीमा आपको 1/1/2023 की स्थिति में आप 18 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम आपका यहाँ पर 30-35 वर्ष रहेगा। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए यहाँ पर 40 है, साथ साथ 45 वर्ष छूट मिलाकर आपको रहेगी। और यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ ये आपकी जो उम्र है वो दिया है, और उसके बाद नीचे में यहाँ पर जो चयन होना है वो सब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। मेरिट के हिसाब से आवेदन कैसे आपको संलग्न करना है, ये महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किए जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 20/7/2023 के संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम वर्ग लिखा हो, कार्यालय जिला सत्र न्यायाधीश महासमुंद, पिन कोड 4933445 में पते पर रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकेंगे। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। दिनांक 20/7/2023 के संध्या 5 बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेजों को आपको यहाँ पर स्वप्रमाणित कर लगानी है। कुरियर, ईमेल, फैक्स के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप जल्दी से इसको भेज सकते हैं फार्म को। और कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर आवेदन करना चाहता है तो उसको पृथक पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा, पृथक पृथक लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा। एक ही आवेदन पत्र में 2 पदों के लिए किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा। एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज का न्यूनतम रंगीन फोटो चस्पा करेगा। अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप फोटो वहाँ पर लगा रहे हैं तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। आवेदक आवेदन पत्र का जो संपूर्ण इंद्राज नीले पाल या डार्ट पेन से ही यहाँ पर करेगा, अन्यथा आवेदन निरस्त माना जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने नियुक्ता, विभाग प्रमुख इत्यादि से यहाँ पर अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात संलग्न करना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये जानकारी रही, आपकी नियुक्ति है वहाँ पर उसी हिसाब से रहेगी। तो नियुक्ति आइए मैं आपको बता देता हूँ। शीर्षलेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3, शीर्षलेखक हिंदी संविदा, सहायक ग्रेड 3 संविदा के चयन हेतु रिक्त पदों से 10 गुना आवेदन पत्र प्राप्त होने पर एक स्वतंत्र लिखित परीक्षा जिला सत्र न्यायाधीश महासमुंद के द्वारा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों पर 10 गुना अभ्यर्थी कौशल परीक्षा तो आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में अंतिम क्रमांक एवं एक समान होने पर उम्मीदवार को संख्या 1 से अधिक होने पर कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवार के 10 गुना या अधिक हो सकती है। लिखित परीक्षा मात्र कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवार के छंटने के लिए होगा। कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर पूर्ण सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा केवल कौशल परीक्षा के लिए रह जाएगा, कौशल परीक्षा आपका मेन है। उसके बाद शीर्षलेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 भृत्य पद के लिए यहाँ पर अभ्यर्थी को 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्ति की जाएगी। तो ये रेगुलर भर्ती है जो मैं ऊपर बताया हूँ, इस हिसाब से आपका यहाँ पर भर्ती रहेगा चयन सूची। उसके बाद प्रथम लिखित परीक्षा जो आपका यहाँ पर दे दिया गया है, देख सकते हैं नियुक्ति चयन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश महासमुंद और शीर्षलेखक हिंदी सहायक ग्रेड 3 हिंदी संविदा सहायक ग्रेड शीर्षलेखक सहायक ग्रेड 3 हेतु एक लिखित परीक्षा होगी, जिस पर 50 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिस 50 प्रश्न वस्तु इस प्रकार के होंगे, जिसपे प्रत्येक प्रश्न का 1-1 अंक होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में 4 विकल्प दिए होंगे, जिसमें से केवल 1 विकल्प सही होगा। उक्त वस्तुनिष्ठ प्रश्न सामान्य मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान एवं समय के विषय के अंतर्गत होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो सिलेबस है, सामान्य मानसिक योग्यता सामान्य ज्ञान एवं समय के विषय के होंगे। उक्त परीक्षा की समय अवधि केवल 1 घंटे की होगी। 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को 1 बार लिखित परीक्षा देना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय भाग है, कौशल परीक्षा के लिए रहेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट करिए।